गुड मॉर्निंग। इधर देखो, अभी से रोना शुरू हो गया है कि दादू दादी जा रहे पहुँच के करना। हाय एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज मंडे मॉर्निंग हो गया है और टाइटल आपने देख ही लिया है, मम्मी पापा आज वापस जाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे, बेसिकली उनको शादी में जाना था और हॉस्पिटल में दिखाना था देहरादून में, तो उनके सारे काम हो गए थे। और घर में भी ना बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं जो उनके बिना नहीं हो सकती हैं, घर में पूजा वूजा थी तो इसलिए उनको टाइम से घर जाना भी था और बगीचे में सब्जियां लगाई हुई हैं मम्मी ने, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी थी। तो इसलिए मम्मी लोग बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुके, लेकिन 2-3 दिन यहाँ पे हम लोगों के साथ रुके और ये वाला घर देख लिया उन्होंने, थोड़े दिन यहाँ हमारे साथ रहे और नोनी के साथ टाइम स्पेंड हो गया तो काफ़ी अच्छा लगा। तो फ़िलहाल सुबह का टाइम है, नोनी बहुत आराम से सो रहा है, आजकल वो 8-8:30 बजे के आसपास ही उठता है, हम उसे उठाने की कोशिश भी करते हैं तब भी वो नहीं उठता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल रोटियाँ बना रही हूँ सबके नाश्ते के लिए, क्योंकि मम्मी पापा नाश्ता करके निकल जाएंगे और हस्बैंड की मीटिंग रहती है तो उनको भी टाइम से नाश्ता देना होता है। और साथ ही नोनी के टिफ़िन के लिए ओट्स का चीला बनाऊँगी मैं, तो सिंपल रोटियाँ और इसके साथ में मैगी नूडल्स बनाऊँगी, तो मम्मी पापा लोग खा लेते हैं मैगी, उनको अच्छी लगती है। यहीं पे बेटा, यहीं है दादू, यहीं है, बैठे हैं बाहर, बैठे हैं दादू, बैठो बैठो, यहीं है। तो नोनी को आप देख सकते हो यहाँ पे, उठते उठते थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था क्योंकि मैंने उसे मजाक में बोला था कि दादू दादी आज जा रहे हैं, और मतलब जा रहे नहीं, दादू दादी चले गए, तो इसलिए उसे लगा कि दादू दादी सच में चले गए उसे बिना बताए, तो थोड़ा सा अपसेट हो गया था। लेकिन उसके पापा ने फिर उसका मूड ठीक किया और फाइनली उसकी नींद तो खुली, तो कुछ ना कुछ बहाने करके ना उसे उठाना पड़ता, नहीं तो वो उठता ही नहीं है। और यहाँ पे फिर उसको तैयार करने में, सारी चीज़ें करने में लेट तो हो ही जाता है ना स्कूल के लिए, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ करीबन 8 बजे तक तो उसको उठा ही लूँ, लेकिन वो उठता नहीं है। तो फिर यहाँ पे मूड थोड़ा अपसेट हो गया था उसका, उसके पापा उसका मूड ठीक करेंगे, और वैसे भी नॉर्मली भी वो इस तरह से क्रैंकी रहता है ज़्यादातर उठने के बाद। और यहाँ पे दादी भी आ गई थी उसको मनाने के लिए, और जैसे उसने दादी को देखा काफ़ी खुश हो गया था और फटाफट से भाग गया वो दादू के पास। नानी गुड मॉर्निंग, इधर देखो, गुड मॉर्निंग, मेरे को स्वेटर ला रही हूँ आपका, लो स्वेटर पहनो, ठंडा हो रहा है। ठीक है, रात को थर्मल पहना के सुलाती हूँ नोनी को मैं, और सुबह जैसे ही वो उठता है उसको सॉक्स और स्वेटर वगैरह पहनानी पड़ती है क्योंकि अब ठंड काफ़ी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा बढ़ेगी, अब जब बारिश होगी उसके बाद काफ़ी ठंड यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ पे पापा उसको स्वेटर पहना रहे हैं, और यहाँ पे ये क्लिप मैंने शूट की है और मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड से नेट फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जब भी नेट फोल्ड करना होता है वो मुझे बुलाते थे, तो मैं देख रही थी वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे नेट फोल्ड करने की, तो मैंने एक क्लिप शूट कर ली, मुझे लगा वो मुझे बुलाएंगे, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ये वीडियो एडिट करते टाइम। फाइनली आज उनसे पहली बार नेट जो है फोल्ड हो गया, और उनको मैं कितना सिखाती थी लेकिन नेट उनसे फोल्ड ही नहीं होता था। और एक्चुअली ना मुझे भी फोल्ड करना नहीं आया था स्टार्टिंग में, मैंने बहुत मेहनत की थी इंदौर में जब हमने ये नेट लिया था, इसको फोल्ड करना मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला काम हो रहा था। फिर मैंने फाइनली यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी, उसको देख के ट्यूटोरियल देखा, तब जाके फिर ये नेट फोल्ड करना आया मुझे। तो फाइनली अब हस्बैंड ने भी सीख लिया है, और नेट तो हम अभी रेगुलर लगाते ही हैं नोनी की वजह से, और विदाउट नेट सो भी ना तो मॉस्किटो लगते हैं रियल में, तो इसलिए लगाना पड़ता है मॉस्किटो नेट। तो चलते हैं किचन में, रोटियाँ बना दी थी मैंने और यहाँ पर ओट्स का चीला बनाऊँगी, थोड़ा सा चिपक गया था लेकिन हाँ नोनी को टिफ़िन में देने लायक बन गया था, थोड़ा सा प्याज टमाटर धनिया डाला था। और यहाँ पे दूध गर्म करके नोनी को दे दिया, मतलब दादू को दे दिया मैंने, नोनी को दूध पिला देंगे। और मम्मी लोग यहाँ पे बैठ के न्यूज़ देख रहे थे, सुबह सुबह मैंने टीवी चलाई हुई थी, और नोनी दूध पिएगा उसके बाद फिर हम उसको रेडी करेंगे। नोनी बुआ के घर जाना है? अरे दादू दादी अपने घर नहीं जा रहे हो, बुआ के घर जा रहे हैं। अभी से रोना शुरू हो गया कि दादू दादी जा रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली मम्मी पापा आज दीदी के घर जा रहे थे, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है खटीमा, और फिर खटीमा से आगे सीधा पहाड़ लगता है, तो फिर वो जाते हुए एक दिन खटीमा में स्टे करने वाले थे, उसके अगले दिन वो पिथौरागढ़ के लिए निकलने वाले थे। तो इस तरह से ना बहुत लंबा सफ़र उनसे हो भी नहीं पाता है क्योंकि पापा के बैक पेन रहता है और
अब दोनों की एज हो गई है तो फिर बहुत ज़्यादा ना थकावट हो जाती है, इतने दिन से ट्रैवल ही चल कर रहे थे कंटिन्यू, तो इसलिए आज वो कटिमा में स्टे करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे। और मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपके वहाँ इन लॉज़ के सामने साड़ी या सूट वगैरह नहीं पहनते हैं क्या, तो हमारे यहाँ ना ऐसा कुछ भी रीति रिवाज नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बनाता हो खासकर डॉटर इन लॉ के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली शादी के बाद सारी लड़कियां इसी तरह से रहती हैं जैसे अपने मायके में रहती थी वैसे यहाँ भी, और मुझे भी शादी के बाद कुछ ज़्यादा बाउंड्रीज़ वगैरह नहीं रखी थी मम्मी पापा ने, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बस नई नई जब शादी हुई थी उन दिनों एक दो महीने तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा बाउंड्रीज़ वगैरह नहीं होती है हमारे यहाँ। पहाड़ी रिचुअल एकदम सादे सिंपल से होते हैं और फैमिली सब मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहू को बहू की तरह रहना है, मतलब आपस में प्यार रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बस यही चीज़ें मायने करती हैं। बाकी कपड़ों से और रहन सहन से क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं अपने इन लॉज के साथ वैसे ही रहती हूँ जैसे मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। और ये चीज़ें आपने मेरे व्लॉग्स में देख ही लिया होगा, नोटिस किया ही होगा, इवन मैं ही नहीं मेरे जो भाई की वाइफ है नेहा वो भी उसी तरह से रहती है मेरे मायके में, मतलब कि मम्मी अपने सास ससुर के साथ, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है हमारे यहाँ। पापा को बाय करो बेटा। तू उन्होंने गुस्सा क्यों हो रहे हो? बुआ के घर जा रहे हैं, अपने घर नहीं जा रहे दादू दादी। चल 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 रोना से जल्दी आना, हम घर में हैं। नोनी को पता चल गया था कि दादू दादी जाने वाले हैं और उन्होंने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया था, उन्होंने देखा ये सब, तो बच्चे तो समझ ही जाते हैं, उनको इंट्यूशन हो जाता है, तो इसलिए काफ़ी सैड था, स्कूल जाने का उसका मन नहीं था बिल्कुल भी, और मम्मी भी थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी। तो बस पापा उसको स्कूल ड्रॉप करके आए, इसके बाद मम्मी पापा रेडी हो जाएंगे, हस्बैंड अंदर वाले रूम में चले गए थे, उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे मैं मम्मी की हेल्प करूँगी साड़ी पहनने में, और उनके लिए कैब बुक कर दी थी हस्बैंड ने, थोड़ी देर में कैब आने ही वाली थी, और इस बीच मैंने बर्तन वगैरह धोने का काम निपटा दिया था, बस मुझे स्टोव क्लीन करना था, तो बर्तन बहुत सारे हो गए थे, सुबह सुबह तो हो ही जाते हैं और जब ज़्यादा मेम्बर्स हो तो और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो इसलिए बर्तन मैंने सबसे पहले वॉश कर लिए, और यहाँ पर मम्मी की हेल्प कर रही थी रेडी होने में, बाकी सामान तो उन्होंने पहले तैयार करके रख लिया था। तो कैब आने में भी थोड़ा सा टाइम था, इस बीच में आप किचन में आ गई हूँ, तो स्टोव वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी, स्टोव और कुकटॉप, और उसके बाद फिर किचन क्लीनिंग ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो जाएगी। मोबाइल चार्जर सब रख लिया मम्मी? हाँ रख दिया। तो बस यहाँ पे टैक्सी आ गई थी मम्मी पापा की, और उसके बाद जो है ज़्यादा सामान तो नहीं था, एक सूटकेस शादी वादी के कपड़े लेके आए थे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे मम्मी पापा अब निकलेंगे बस स्टेशन के लिए, और सैटेलाइट यहाँ से थोड़ा सा दूर में ही है, सैटेलाइट यहाँ बहुत बड़ा बस स्टेशन है, तो वहीं से सब जगह के लिए बस मिलती है। तो ठीक है मम्मी, हाँ ठीक है, पहुँच के करना। पौने 11 बज गए और मम्मी लोग निकल गए हैं, यहाँ से कैब बुक कर दी थी स्टेशन के लिए, क्योंकि हस्बैंड की ना मीटिंग चल रही है, मंडे को उनकी मीटिंग रहती है, तो वो मीटिंग में ही बैठे हुए हैं, दोपहर में लंच करके जाएंगे वो ऑफिस, तो मम्मी लोग आज जाएंगे खटीमा दीदी के वहाँ, तो वहाँ एक दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद वो जाएंगे घर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वो करने वाला है, मुझे पता है, वो जाते टाइम भी उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, आपने देख लिया था, तो रोएगा थोड़ा सा, मुझे नहीं पता वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन उसे पता तो था कि दादू दादी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। नौनी सबसे ज़्यादा खुश रहता है दादू दादी के साथ में, तो मम्मी लोग भी बहुत ज़्यादा सैड थे, दो तीन दिन काफ़ी अच्छे से नौनी ने उनके साथ स्पेंड किए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। तो अभी किचन सारा क्लीन हो गया, बस मुझे मॉप करना है, बाकी सारे काम तो मेरे हो ही गए जल्दी जल्दी, उसके बाद जो है लंच की तैयारी करेंगे थोड़ी बहुत, और पोछा लगाती हूँ, घर का थोड़ा सामान वामान फैला हुआ है वो ठीक करना है, आज हेयर वॉश नहीं किए थे, कल ही किया था, तो बस ऐसे ही, और दवाई मेरी चल रही है, अब देखो एकदम ठीक हो गया, जो निशान पड़ रहा था ना वो भी अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे, मल्टी विटामिन दी हुई है डॉक्टर ने,
तो वो ले रही हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए रुकना नहीं हो पाया मम्मी पापा का, क्योंकि घर पे मम्मी ने सब्जी लगाई हुई ना, लगाई हुई है पीछे बगीचे में, मैंने दिखाया था, तो वहाँ पे अदरक वदरक मम्मी कह रही थी कि अदरक होने वाली है तो वो सब निकालनी है, हो गई है, और उसमें नई सब्जी लगानी है, तो फिर वो टाइम से करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर सब्जी सीजन टाइम होता है ना सब्जियों के लगाने का, एक सीजन में लगाओ तभी वो ग्रो हो पाती हैं, तो इसलिए मम्मी कह रही थी अभी जाना ज़रूरी है। तो चलिए अब जो है व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं और फटाफट से करके जो बचे हुए काम है वो निपटाती हूँ। तो इसके बाद जो थोड़े बहुत बचे हुए काम थे वो किए, घर थोड़ा सा समेटा और यहाँ पे पोछा लगा दिया था सब जगह। आज सुबह इतने सारे काम हो गए थे, मॉर्निंग में पोछा लगाने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैंने अभी मॉप किया सब जगह और यहाँ पे चेयर स्टूल वगैरह हटाई थी तो इनको अपनी जगह पे प्लेस कर दूंगी। नानी दादू को वीडियो कॉल करो। ओके अभी करती हूँ, आप बैठो तो सही। नानी को दादू चाहिए, चलो शूज उतारो, पहले शूज तो उतारो फिर वीडियो कॉल करेंगे ना दादू को। दादू कहाँ गए पहले बताओ, बोलो। नानो उधर देखो कहाँ है दादू। इवनिंग शाम के 4:30 बज रहे हैं और नोनी आज जल्दी सो के उठ गया था करीबन 3 बजे, तो अभी वो टीवी देख रहा है, तो एक्चुअली फिर से हल्का सा कोल्ड हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, और मैंने इसलिए इसको कैप गर्म कपड़े सॉक्स वगैरह पहना के रखा है। इसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये बार बार फ्लोर पे खेलता है, सॉक्स नहीं पहनता है, नंगे पैर इधर से उधर भागता है, इसके लिए गर्म वाले वुलन शूज़ भी मैंने लिए हुए हैं वो भी नहीं पहनता है, तो बच्चों को ठंड से बचाना बहुत मुश्किल रहता है, खासकर जब बच्चे बड़े होने लगते हैं उसके बाद चलते फिरते रहते हैं तब, क्योंकि नोनी का ये प्रॉब्लम है, रुकता नहीं है। और होम रेमेडीज़ के लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, होम रेमेडीज़ मैं आपको शेयर करूँगी। सबसे पहली होम रेमेडी तो वही है, मैं एक होम रेमेडी यूज़ नहीं करती हूँ, कई सारे एक साथ यूज़ करती हूँ, तो कोई ना कोई तो इफ़ेक्ट कर ही जाती हैं, और होम रेमेडी रियली में इफ़ेक्ट करती है, एकदम से तो नहीं लेकिन हाँ धीरे धीरे उनसे काफ़ी आराम मिलता है। इंस्टेड ऑफ दवाइयाँ देने से अच्छा है कि होम रेमेडी यूज़ करो, उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे बॉडी को। तो सबसे पहले तो रात को सोते टाइम मैं सरसों का तेल गरम करके उसमें अजवाइन लहसुन और मेथी दाना ये 3 चीज़ें डालती हूँ, और हल्का गुनगुना तेल चेस्ट पे नोने के बैक पे और पैर के तले पे लगाती हूँ सोने से पहले डेली, जब तक इसका कोल्ड ठीक नहीं होता है। और दूसरी चीज़ इसको स्टीम दिलाती हूँ, स्टीम में स्टीम वाले पानी में वो अजवाइन या फिर विक्स बेबी विक्स जो आता है वो डाल देती हूँ। तो इस तरह की 2-3 रेमेडीज़ जो है वो करती हूँ, क्योंकि बच्चे ना काढ़ा या फिर कुछ और पीते नहीं है, इसके लिए मैं कुछ और बनाऊँ गर्म चीज़, वो नहीं खाता है काढ़ा, ये पीता पिएगा नहीं, तो इसलिए इस तरह की रेमेडीज़ करनी पड़ती है। और नहाने के बाद भी मैं इसको वही पूरी बॉडी में ऑयल लगाती हूँ सरसों अजवाइन वाला, वो ठीक रहता है। और उसके अलावा बालों में भी, मतलब बाल एकदम गीले नहीं रखती हूँ नहाने के बाद, तो ये सारी चीज़ें। और वैसे भी कोल्ड कफ तो रहता है, ये इतने दिन तक हम बिना नहलाए तो रख नहीं सकते बच्चे को, तो इसलिए जब भी मैं नोनी को नहलाती हूँ जब कोल्ड कफ होता है तो इसको फटाफट से गुनगुना तेल गर्म करके लगा देती हूँ और वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे और ब्लैंकेट अब पैक करके रखना पड़ेगा क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, पिलो भी पैक करने हैं, और धूप लगा दी थी वैसे इनको एक बार, अब जब कपड़े बाहर निकले ही हैं तो मैंने सोचा एक बार धूप लगा के पैक कर देते हैं। वैसे ये वाले कपड़े तो मैंने धूप में दिखाए थे दिवाली के टाइम पे जब क्लीनिंग कर रही थी मैं, और किचन में मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं, उनको कुछ खिलाती हूँ, सबसे पहले उसे भूख भी लग रही है आलू बॉईल होने के लिए, और इसमें थोड़ी सी मटर है तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और कुछ बनाने का मेरा मन नहीं है अभी। और उसके अलावा ये पालक भी वॉश करके रखी हुई, ये मैं कल ही बनाऊँगी, अभी मेरा मन नहीं है बनाने का। और थोड़े से इसमें राइस भी बचे हुए हैं दोपहर में बचे थे, तो ये है। नोनी को थोड़े एप्पल दे दिए थे मैंने कट करके, और इसके बाद मैं अपनी चाय चढ़ा दूँगी, शाम की चाय का टाइम हो गया था, एक साइड आलू बॉईल हो रहे तो उसके बाद सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे और साथ में रोटियां। और नोनी किचन में पहुंच गया था और यहां से बर्तन निकाल के वो खेलने लग गया, तो उसका बचपन वाला गेम ना अभी भी उसको बहुत पसंद है, जब वो बहुत छोटा था तब भी ऐसे ही किया करता था। और यहाँ पर मैं उसको गचक दे रही थी लेकिन वो नहीं खाता है, बहुत टेस्टी हो रहा है, वैसे यहीं से लिया था मार्केट से खाने के लिए, अच्छा हो रहा है। तो जल्दी से यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा लूँगी, आलू तो बॉईल हो गए थे और तो तेल गरम हो गया है, इसमें हींग जीरे का तड़का और साथ में टमाटर ऐड कर दूँगी, मैंने प्याज वगैरह ऐड नहीं किया, कई कई बार ना आलस आता है प्याज काटने में तो इसलिए मैं बिना प्याज के बना देती हूँ,
लहसुन मेरे पास हमेशा पील रहते हैं तो इसलिए कुछ कट करके मैंने डाल दिए, और टमाटर के साथ ही नमक और बेसिक मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप चाहो तो आलू बॉईल करके डालो या फिर साथ में ही पका लो सब्ज़ियों के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मटर भी मैं ऐड कर दूँगी, तो मटर बॉईल नहीं की थी इसलिए मटर को मैं मसाले के साथ थोड़ा सा कुक कर लूँगी। और इस बीच जो है मैं अंदर आ गई थी और मैंने अपने गर्म कपड़ों वाला बैग जो है वो निकाला था, क्योंकि अब गर्म कपड़ों की ज़रूरत होने लगी है, और बार बार ना एक एक कपड़ा निकालने से अच्छा मैंने पूरा बैग ही निकाल लिया। इसमें मेरे थर्मल वेयर्स भी हैं और गर्म सॉक्स भी हैं, और इसके अलावा जितने भी समर वेयर्स थे मेरे, कुर्तियाँ और पजामे टी शर्ट वगैरह गर्मी के, वो सब मैंने बैग में पैक करके रख दिए। अभी मैं बेड बॉक्स के अंदर नहीं रख रही हूँ, फ़िलहाल मैं बैग में डाल के एक जगह कर दूँगी अलमारी में। नौनी दोपहर से इस वॉच के पीछे पड़ा हुआ है, बार बार अलमारी से निकाल दे रहा हूँ। पापा ये तुमको गिफ्ट मिली थी मिस्टर रावत, और तुम अभी तक इसको छोटी नहीं बनवा पाए, काफ़ी बड़ी हो रही है। इसकी चैन कटवा लो, काफ़ी अच्छी है डिजिटल वॉच। अरे ये ऐसे खुलता है यार, इसका वो देखना पड़ेगा, ये इसका टूल है इसको खोलने के लिए। किसको खोलने के लिए? ये चैन को छोटा करने। ऐसे मत खोलो, शॉप में जाके खुलवाना। नहीं इससे खुलता है ये। नहीं नहीं खुद से मत करो, शॉप में जाके खुलवा लेना। और नोनी को ये वॉच बहुत पसंद आ रही है, है ना नोनी? अरे वाह कहाँ पहन लिया नोनी ने। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और आज ट्यूसडे हो गया है तो नाश्ते का टाइम है। यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ, और साथ में रात की आलू मटर की सब्ज़ी लेफ़्ट ओवर रह गई थी तो वही हम लोग नाश्ते में खा लेंगे। नोनी को भी मैं वही खिला दूँगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्लीनिंग भी चल रही थी, साथ के साथ मैं पराठे भी बना रही थी। इस टाइम तक हस्बैंड भी उठ गए थे और नोनी भी उठ गया था, तो फ्रेशन अप होने के बाद दोनों बाहर आ गए। और ये जो मेरे इंडोर प्लांट है ना, इसमें एक पत्ती ख़राब सी दिख रही थी, तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पत्ती उसमें ख़राब हुई है। तो फिर हस्बैंड ने कहा इसकी मैं गुड़ाई भी कर देता हूँ, थोड़ी सी जो घर से मैं खाद लेके आई थी गोबर वाली वो भी इसमें मिक्स कर देता हूँ मिट्टी के साथ, और पानी भी डाल देंगे। तो इस तरह से वैसे तो ये प्लांट वगैरह देखने का काम मेरा ही रहता है, मैं ही करती हूँ, हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिलता है इन सारी चीज़ों का। लेकिन उन्होंने देखा कि पत्ती ख़राब हो रही है तो वो लेके आ गए दोनों प्लांट बाहर। और जब प्लांट का कुछ काम करें नोनी साथ में ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो भी आ गया और मिट्टी से खेल खेलने लग गया था। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक नुकसान हो गया था, सुबह सुबह मेरा जो ये कांच का कप है ये टूट गया था। कप स्टैंड में ही रखे रहते हैं सारे कप, और कप निकालते टाइम ना कई बार ऐसा होता है ऊपर वाला कप निकल के मतलब टूट जाता है, गिर जाता है, तो बस वो टूट गया था। और वो सारे कप में पूरा 6 का सेट था, अब 2 बचे हुए आई थिंक। तो चलिए नाश्ता लगा लेते हैं, आलू मटर की सब्ज़ी और दूसरी तरफ चाय बना दी थी, और पराठे मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाए थे, लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है 10 मिनट के अंदर ही खाना ठंडा हो जा रहा है। रोटियाँ बनाओ गरम गरम तो वो 2 मिनट में ठंडी हो जाती हैं, तो इसलिए ठंडा खाना तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता। तो इसलिए पराठे मैं यहाँ पे तवे पे रख के दोबारा अच्छे से गरम कर लूँगी। इस तरह से गरम गरम नाश्ता सर्दियों में अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ठंडा खाना ना बहुत फीका सा लगता है और उसका मुझे स्वाद भी नहीं आता। तो पराठे के साथ मैं बटर भी ले लिया था थोड़ा सा। मॉर्निंग सुबह के 11:30 बज रहे हैं अभी, और नॉर्निंग 11 बजे स्कूल, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। यहाँ पे मैं कुछ सर्दियों के और कपड़े निकाल रही थी, तो इस वाले बैग में है हस्बैंड के कपड़े सारे गर्म वाले, उनके थर्मल गर्म पहनने वाले गर्म पजामियाँ ये सब, और एक बैग और निकाला है। इस वाले बैग में मेरे जो बचे हुए गर्म कपड़े थे, कुछ गर्म कपड़े मैंने ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ अपने, तो कुछ और थे। और ये वाली कैप दिखाती हूँ मैं आपको, मेरी कैप मैंने और हस्बैंड ने जो पिथौरागढ़ से ली थी इस बार, तो ये वाली मेरी कैप है मरून कलर की, बहुत ही प्यारी सी है ना। मेरी कैप ख़राब हो गई थी विंटर वाली, तो ये बहुत ही सुंदर सी कैप पिथौरागढ़ से ली थी, आई थिंक ये 200 की है, बहुत ही अच्छा सा कलर। सॉक्स भी मैंने देहरादून में लिए हुए थे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाए, तो मैं सोची हूँ इस बार इसको भी पहनूंगी। गर्म सॉक्स तो मैं पहनती ही हूँ अभी भी, तो बिना सॉक्स के ना स्किन बहुत ख़राब हो जा रही है पैरों की। इस वक्त लिप्स में सिर्फ अभी लिप बाम लगा रही हूँ, क्योंकि लिप में बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, ठीक हो गया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि दोबारा से वो प्रॉब्लम हो। बहुत महीने मैंने सफ़र किया और इस बीच मुझे अपनी लिप की वैल्यू पता चली, मैं केयर नहीं करती थी कभी भी इस तरह से, होंठ फट भी जाते थे तो चलो कोई बात नहीं इग्नोर कर लो इस तरह से, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ। नोनी का खाना हो गया, और देखो ये कौन सा डांस है नोनी, मिकी माउस नोनी का फेवरेट कार्टून आजकल।
मिकी माउस है, ही लव्स मिकी माउस। उसका लंच करा के और अब मैं अपना लंच करती हूँ। टाइम हो गया 1 बजे का और आज ये वाले कुशन कवर मैंने वॉश किया, हाथ से वॉश किया आज पहली बार, काफ़ी दिन से वॉश नहीं हुए थे, दिवाली से पहले वॉश किए थे और इतने गंदे कुशन आने, सोफ़े के साथ में मिले थे मुझे, बस काम चला हुआ है इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो इसके बाद मैं अपनी लंच थाली लगा लूँगी। तो यहाँ पे राइस थे और साथ में दाल बनाई थी मैंने मिक्स वाली, थोड़े से भट सो करके रखे थे वो भी बचे थे, थोड़े से राजमा और थोड़े से अरहर वगैरह मैंने डाल के बना दी थी मिक्स दाल। तो ये आज का मेरा सिंपल सा खाना। वेरी गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5:30। नौनी को लेके गई थी मैं पार्क, करीबन 4:30-5:45 बजे हम लोग पार्क गए थे, काफ़ी देर नौनी खेला वहाँ पे। तो मैं अब से यही कोशिश करूँगी कि रोज इसको पार्क लेके जाऊँ, वहाँ पे खेलता कूदता है। खाना है आपको? खाना वगैरह अभी कुछ नहीं बना मेरा, तो मैं अब बनाऊँगी खाना पीना। तो पहले इसको मैं लेके गई थी पार्क क्योंकि अब देखो अंधेरा होने लगा है, अब ठंडा भी होने लगा है, तो इसलिए टाइम रहते इसको मैं पार्क मैं थोड़ी देर खिला के ले आई। इसको दूध बना के देती हूँ, मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद डिनर बनाएंगे। तो दोपहर में मैंने ये फ्रिज का एक शेल्फ निकाल के वॉश किया था, तो फ्रिज क्लीन करने का प्रॉपर टाइम तो मुझे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं आजकल, सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो छोटे छोटे शेल्फ निकाल के मैं क्लीन करते रहती हूँ साइड बाय साइड, और इसके बाद फटाफट से अब खाना बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आटा निकाल दिया है, आटा गूंथ के तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और यहाँ पे ऑयल गरम करने को रख दिया मैंने, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी में सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा डालिए, काफ़ी अच्छी बनती है, अच्छा टेस्ट आता है। कम ऑयल में ना ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, टेस्टी नहीं बनती है। तो हींग जीरे का तड़का लगाया था, थोड़े से मैंने आलू डाले थे, एक हरी मिर्च, साथ में मटर, आलू और पत्ता गोभी, जिसको मैंने नमक डाल के गर्म पानी में अच्छे से बॉईल करके वॉश किया था 2-3 पानी से, नॉर्मल पानी से, और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई। इसके बाद थोड़ा सा नौनी को राइटिंग कराऊंगी क्योंकि इस बीच जब दादू दादी आए थे ना, तो उस बीच उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी बिल्कुल भी, उसने राइटिंग नहीं करी, तो अभी थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कराऊंगी। नौनी के पास जैकेट नहीं थी कोई विंटर के लिए। पापा को थैंक यू बोलो, नौनी का जैकेट आ गया। कैप लगाओ, देखो कितना सही साइज है। ये कहाँ से मिल गया तुमको? ये वहीं गया था जहाँ फोटो तो नहीं भेजी थी इसकी। उन्होंने के पापा उसके लिए लेके आए थे नया जैकेट, और जिसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद सारे काम तो हो गए थे, लास्ट में नोनी को मसाज करने के लिए मैं यहाँ पे ऑयल तैयार कर रही हूँ, तो कोल्ड कफ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम पर इसी ऑयल से मेरी मसाज होती थी। तो ऑयल गर्म किया है सरसों का, इसमें डाला है अजवाइन, मेथी दाना और साथ में लहसुन, और इसको अच्छे से पकाना है और हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद आप चेस्ट पे, बैक पे और पैर के तले में मसाज करिए, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है कोल्ड में। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, होपफुली आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।